हेलो लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ वेल्थ रिलेशन जॉब पैसा इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। ये 22 जनवरी से 28 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और जैसा कि आप जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो यूनिवर्स गाइड मी प्लीज। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है जो 22 जनवरी से 28 जनवरी के लिए होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आपका हेल्थ वेल्थ स्टूडेंट्स जॉब बिजनेस रिलेशंस सिंगल्स रिलेशनशिप और गाइडेंस। तो ये आपका हेल्थ के लिए आया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी आपके अपनों ने ही आपका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी सैड हैं, काफ़ी उदास हैं। और हो सकता है कि किसी किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हुई है। तो अभी आपको मेडिटेशन करना है, प्रेयर करनी है, हीलिंग करनी है, अपने आप को चुप रखना है। और जब तक आप बिल्कुल शांत ना हो जाएं, आपको ये ना लगे कि मैं ये काम करने के लायक हो गया हूँ, तो तभी आपको उठ कर चलने की ज़रूरत है, उस काम में हाथ डालने की ज़रूरत है। अभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपने आप को एकांत में रखिए और तभी आप इसमें आगे बढ़िए। क्योंकि तभी आप को सुकून मिल सकता है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब ये आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, किसी से आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है, जिसकी वजह से आप काफ़ी अपने आप को बीमार किए हुए हैं। आप अपने आप को जो एनर्जी है वो आपका साथ नहीं दे रही है। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन प्रेयर करेंगे, अपने आप को चुप रखेंगे, शांत रखेंगे, तो आपको एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप उसके बाद कर सकते हैं लाइफ में। एक मेडिटेशन प्रेयर के बाद जब आपको लगे कि आप काफ़ी ठीक हो गए हैं, आप शांत हो गए हैं, तो तभी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत इसमें कर सकते हैं। डेथ ये वेल्थ के लिए आया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, कुछ चेंज होने का कार्ड है। तो हो सकता है कि जिस चीज़ में आप काम कर रहे थे उसमें आपको हो सकता है कि काफ़ी घाटा हुआ हो, या तो कुछ बदला सा आपको सब कुछ लग रहा है। आपको लगने वाला है कि जो उनका काम था, जो जैसा चल रहा था, वो सब चेंज हो गया है, वैसा नहीं रहा है जैसा पहले हुआ करता था। लेकिन जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो होता है वो हो जाने दीजिए। अभी आपको बुरा लग सकता है, गलत लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपके लिए ये फायदेमंद हो, आपके लिए ठीक हो। कुछ लोगों के लिए ये अभी के लिए ठीक नहीं हो सकता कुछ। और जिन लोगों जो लोग ऑलरेडी घाटे में चल रहे थे, जो सब कुछ अपना खो चुके थे, हो सकता है कि उनकी कुछ नई बिगनिंग, नई शुरुआत भी इसमें हो सकती है। तो अनएक्सपेक्टेड, ये जो बिना जिसके बारे में हमें कभी सोचा नहीं था, वो ऐसे चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। अभी एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। आप वेल्थ वाइज कोई भी नया बिजनेस या जॉब या वेल्थ या फाइनेंस वगैरह जिस चीज़ में भी आप काम करना चाहते हैं, अभी आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है, अपने आप को रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अभी नया काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो अभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, जो चेंज हो रहा है उसे होने दीजिए, जो बदलाव आ रहा है उसे होने दीजिए। क्योंकि लाइफ में एक पड़ाव के बाद चेंजेस होना स्वाभाविक है। तो उसके बाद ही आप सोच समझ कर इसमें आगे जा सकते हैं। अभी के लिए कम से इस सप्ताह के लिए तो कम से कम आप नया काम शुरू मत कीजिए, क्योंकि एनर्जी अभी आपके फेवर में
दिखाई नहीं दे रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, गिव एंड टेक का कार्ड है, अपने आप को स्टेबल करने का कार्ड है। आप इसमें स्टेबल हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, अपने आप को सोच समझ कर इसमें काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइन, जिस लाइन में आप काम करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या बिजनेसमैन, या वेल्थ में, या जिस या फाइनेंस में, जिस चीज़ में भी आप काम करना चाहते हैं, उसमें पहले आपको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। उस पर रुक कर ठहर कर सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जॉब के अपने करियर के साथ साथ अपना पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। वो अपने आप को इन दिनों स्टेबल महसूस कर सकते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं, उनको काफ़ी फायदा होने वाला है और काफ़ी सक्सेस उनको मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये गिव एंड टेक का कार्ड है। आप थोड़ा सा जो भी पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसमें दूसरों की हेल्प करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा वगैरह गरीबों को दान करते चलिए, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आप जो आपसे नीचे हैं, जो अच्छे पैसे की वजह से या किसी चीज़ से भी अगर आप दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो आप काफ़ी इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरों की हेल्प करने से बदले में आप प्यार और आशीर्वाद उनसे पाते हैं, तो आपको उन सब की ज़रूरत है, और आप काफ़ी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप उसमें एनर्जी डालिए, एफर्ट डालिए, और समय रहते उसमें कोशिश कीजिए, आप अपने आप को अच्छा स्टेबल पाएंगे, अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। नाइट ऑफ वांड्स, तो ये बिजनेस के लिए आया है, जॉब के लिए आया है, तो आप समय रहते इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो जॉब अगर आपको मिल रही है तो उसमें समय रहते एक्शन लीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए, और तहस में आकर कोई भी काम मत कीजिए जब तक आपको बिल्कुल स्टेबिलिटी महसूस ना हो, जब तक आपको ये ना लगे कि मैं इसके लायक हूँ, अपने आप को प्रिपेयर कर चुका हूँ। पहले अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उस काम को, उस जॉब को करने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। जब आपको लगे कि मैं इसके लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ, स्टेबल हूँ और इसको अच्छे से कर सकता हूँ, तो तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और समय रहते एक्शन ले सकते हैं। तो अपना एफर्ट लगाइए, मेहनत लगाइए, एनर्जी डालिए और समय रहते इसमें कोशिश कीजिए, आप इसमें काफ़ी आप इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य नुकसान दे सकता है। तो ये बिजनेस के लिए है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है कि बिजनेस में कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है, माइंड गेम खेला जा रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। तो जब तक ये माइंड गेम खेला जा रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, धोखाधड़ी आपको मिल रही है, तो जब तक आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी अगर आप पैसा लगाएंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, तो आप इसमें धोखा खा सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है, तो आपको उनको जांचने परखने की ज़रूरत है, जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। जहां भी आप बिजनेस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख कर, जाँच पड़ताल करके, उस जगह का एनवायरमेंट चेक करके ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, और जब तक ये माइंड गेम ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये मैनिपुलेशन ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक आपको लग रहा है कि इसमें आपको घाटा हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, छल कपट हो रहा है, हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो उनको जांचने परखने की ज़रूरत है, उनसे किनारा करने की ज़रूरत है, उनको जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। तो उनसे उनको जांचिए, परखिए और उनसे किनारा कीजिए, उनको अपने रास्ते से हटाइए, तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस को शुरू कर सकते हैं,
अगर आप बिना सोचे समझे इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। सिंगल्स, ये सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल्स हैं और रिलेशन में जाना चाहते हैं तो अगर आप बड़े बुजुर्गों की सलाह से या ऑलरेडी जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं उनकी सलाह से, किसी सलाहकार की सलाह से, किसी बड़े की सलाह से, किसी बड़े इसमें एफर्ट लगाते हैं, टीम वर्क लगाते हैं, कोशिश करते हैं और तो आप इसमें इस रिलेशन में आगे जा सकते हैं। तो आप जांचिए, परखिए और बड़ों की सलाह से या परिवार वालों की सलाह से जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, जो आपके रिश्ते को समझते हैं, उन्हीं से सलाह लेकर, सलाह मशवरा करके आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ये रिश्ता आपका आगे जा सकता है, सक्सेस पा सकता है। और अगर आप बिना सोचे समझे, बिना सलाह मशवरे के, बिना बड़ों की की इजाज़त के, आशीर्वाद के इसमें आगे जाएंगे तो आप इसमें परेशानी में आ सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये रिलेशनशिप के लिए आए हैं। तो ये अगर आप रिलेशन में हैं और रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं या शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं तो आप ये जो रिश्ता है ये काफ़ी आप इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी आप उनके प्रति अट्रैक्ट हैं, काफ़ी आकर्षण है आपको उनका हर तरीका, हर सोचने समझने का तरीका, ओढ़ने पहनने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, काम करने का तरीका, हर काम आपको बहुत पसंद आता है। तो ये रिलेशन आपके लिए, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी चीज़ों से जो दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो दूसरे लोगों को भी अपनी ओर बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं, बहुत अट्रैक्शन दूसरे लोगों का भी उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है, तो उससे कहीं ना कहीं आप निराश होते हैं, हताश होते हैं। तो उससे आपको सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ बात करने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, क्यों, और ये रिलेशन आगे जाकर आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है, काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, काफ़ी सक्सेस भी आप इस रिलेशन में हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये गाइडेंस के लिए आया है। अभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपना करियर, अपनी जॉब, अपना पैसा, अपनी स्टेबिलिटी, सब कुछ अपने लिए करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप अभी अपने लिए करिए, दूसरे के पचड़ों में मत पड़िए। और अगर जब आप पहले खुद स्टेबल हो जाते हैं तो तभी आप उसके बाद औरों के लिए सोचिए, और किसी नए काम में हाथ मत डालिए। अभी रुक कर, ठहर कर, सोच समझ कर आपको आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ आप खूब व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मुझे हेल्प मिले और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूँ। तो तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।